मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा, मेरे ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं जिले की जिम्मेदारी अपने बेटे नकुल को देता हूं। जिसके बाद सीएम कमलनाथ के बेटे और लोकसभा प्रत्याशी नकुल नाथ ने अपने पिता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को स्वीकार किया और उसे पूरी निष्ठा और मेहनत से निभाने की बात कही। मुझे सौंपी है ये जिम्मेदारी, मैं पूरी निष्ठा और मेहनत से निभाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक नया इतिहास बनाएंगे। जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो प्रदेश की है, मैं जिले की जिम्मेदारी अपने बेटे नकुल को दे रहा हूँ। इसको इनको पकड़ के रख, हम 2019 से एक नई विकास यात्रा शुरू करें, एक नई विकास यात्रा, और जहां पूर्ति नहीं हुई हम उसकी पूर्ति करेंगे। मैं चाहता हूं कि विभिन्न जिले से अभी लोग आते हैं देखने के लिए, यहां की सड़कें देखने के लिए, यहां के प्रशिक्षण सेंटर देखने के लिए। मैं चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश से हमारे मालवा निर्माण के हुए भील मिलाला होने, हमारे किसी आदिवासी समाज के लोग हो, ये छिंदवाड़ा आए देखने के लिए कि छिंदवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में क्या विकास हुआ है।